एक सैंडविच कितना हैवी हो सकता है, मतलब कितना ओवरलोडेड हो सकता है बताओ, जितना हम उसको बनाना चाहते हैं, है ना। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हुई हैं बिगेस्ट सैंडविच की, ओवरलोडेड सैंडविच की। तो मुझको यार ऐसा था, मतलब मेरे को ट्राई करना है ऐसा कुछ, पता था मुझको सिंगल मुझसे तो खैर खपेगा नहीं, मतलब पूरा तो मेरे से फिनिश नहीं होएगा, पर मेरे को ट्राई तो करना था, ठीक है। फिर ना मतलब मेरे को इंस्टेंट भी करना था उसको, ऐसा नहीं है, मैंने स्ट्रीट साइड भी मिलते हैं ना, तो वो लोग ना ऐसे वेजीज को कुक कर करके रखते हैं ना, तो मेरे को ज़्यादा, मेरा मोटो ना ऐसा रहता है, मैं आप लोगों को ना एकदम इंस्टेंट वाली चीज़ें बताऊँ जो आप लोग ऐसे फट से बना लो और फट से खा जाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा बनाते हैं, और फिर मैंने सोचा मैं इसमें क्या क्या फिलिंग करूँगी, तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग डाली है, और बिल्कुल इंस्टेंट वाली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उनको कुक करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा झमेला लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पता है मेरे पास जितनी सॉसेस थी ना, मैंने सब इसमें ठूसेड़ दी, मतलब सब ठूस दी इसमें, और इतनी सारी चीज़ डाली है, इतनी सारी चीज़ डाली, पूरा डब्बा चीज़ का डाल दिया मैंने अमूल का, और भी ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल दी, तो बहुत 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 ओवरलोडेड बनाया है मैंने इसको। फर्स्ट वाली लेयर में मैंने फ्रोज़न की टिक्की लगाई थी, चीज़ वीज सब चीज़, मतलब एक चीज़ तीनों चारों लेयर में कॉमन है, वो है एक सॉस है, कौन सी वाली थी, थाउजेंड आइलैंड थी शायद, है ना। फिर चिली फ्लेक्स हैं, और ओरिगेनो है ना, और चीज़ है, ये चारों चीज़ ना कॉमन है, बाकी सब में जो फिलिंग है ना वो डिफरेंट है। नीचे नीचे वाली लेयर में थी फ्रोज़न, वो जो टिक्की होती है ना आलू की टिक्की, वो वाली थी। सेकंड में कुछ वेजीज वाली थी, उनको मैंने मेयो से मिक्स कर दिया, है ना। थर्ड में पनीर वाली है, पनीर में मैंने थोड़ी सी क्या बोलते हैं शेज़वान डाली थी, शेज़वान चटनी, और इसको पूरा मिक्स किया, छोटे छोटे पीसेज में मैंने पनीर को कट कर लिया था, इसके बाद पूरा मिक्स किया और ये लेयर लगा दी, ठीक है। मतलब पूरा सब सभी सभी चीज़ों का टेस्ट आना चाहिए, मतलब टिक्की का भी, आलू की टिक्की का, फिर थोड़ी सी कच्ची वेजीज़ का भी क्रंच वाला, और फिर पनीर का सॉफ्ट सॉफ्ट सा टेस्ट। मेरे को वैसे पनीर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मेरे को पनीर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी सी आलू वाली फ़ैन हूँ। कौन कौन मेरे जैसा आलू वाला फ़ैन है मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मेरे को पनीर तो मतलब वैसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, पर सैंडविच वगैरह मैं ठीक लगती है लोगों को, तो इस वजह से मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर इसमें खूब सारी चीज़ डाली, फिर से हाँ, और बटर भी है कॉमन, भाई देखो एक बटर भी कॉमन है सारी लेयर में। फिर से चौथी लेयर लगाई है मैंने, फिर से उसमें सब्जियाँ डाली है, फिर इस बार ना मैंने टोमेटो की स्लाइसेस, थोड़ी प्याज और शिमला मिर्ची डाली इस वाली लेयर में, और फिर इसमें ना और भी मेरे पास सब्जियाँ पड़ी हुई थी, मतलब सब्जियाँ नहीं, वो जो हमारे फैंसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे रेड पेपरिका, ब्लैक ऑलिव्स वगैरह टाइप से मेरे पास रखे थे, तो इस वजह से मैंने सब ठूस दिया भाई इसमें, जो मेरे को फ्रिज में दिखा ना सारा कुछ ठूस दिया। फिर इसके बाद और चीज़ डाल दी, चीज़ इसमें ओवरलोडेड है, चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ना चीज़ ग्रेट करने के बाद मेरे पास थोड़ी सी चीज़ बच गई थी, मैंने सोचा इसको डालूँ कि नहीं डालूँ, बचा लूँ, मैंने कहा यार इतनी सी चीज़ क्या ही काम आएगी, डाल ही दो इसको भी, क्यों कंजूसी करना। मैंने थोड़ी सी और डाल दी इसमें, फिर थोड़ी सी और बच गई थी, तो मैंने क्या करा, लास्ट वाली ब्रेड की लेयर लगाई और उस पर फिर से बटर लगाया और उस पर फिर से मेयो लगाई, और फिर क्या लगाया था मैं भूल भी गई एक्चुअली। फिर मैंने लगाई थी थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, तो हाँ चीज़ डाली थी पहले, जो बची हुई चीज़ थी ना वो सारी ग्रेट कर दी, बचाना नहीं है यार कुछ भी चीज़ को, बचाना नहीं है, सारी ठूस दो। फिर इसमें और मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है, देखो ये डल रही है। फिर इसमें थोड़े से मैंने दिखने में अच्छा लगे इस वजह से मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो डाला, और फिर थोड़े से ना ब्लैक ऑलिव्स और रेड पेपरिका का बीच बीच में लगा दी, जिससे दिखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद आप इसको ना बेक कर दो। पता है प्रॉब्लम क्या हुई, मेरा ओवन ना इतना छोटा सा है, मतलब पुराने मॉडल का है, तो मेरा सैंडविच उसमें आया भी नहीं, तो ये अच्छे से इतने अच्छे से कुक नहीं हुआ, बीच में से रह गया, साइड से कुक हो गया, तो वो मेरा ना ओवन छोटा है। और फिर इसको आपका अच्छा होगा ना तो उसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से कुक कर लेना, और इसको कट करके खाओ यार, मतलब इसको ना, मतलब हम चार लोगों से भी ना पूरा फिनिश नहीं हो पाया था, इतना हैवी था, ट्राई था। आज की वीडियो का शॉर्ट आउट अलिश्वास बर्ड को जाता है, अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट कर दो, हम सब बाय।